इन वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि हाउ टू स्टडी बिटवीन गैप्स इन साइंस। तो देखो, ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं बताऊंगी कि अगर आप लोगों के पास हिंदी है तो आप लोगों को साइंस में गैप्स के बीच में कैसे पढ़ना है, और अगर आप लोग के पास हिंदी नहीं है दैट इज़ फ्रेंच और संस्कृत है तो आप लोग को साइंस के बीच में गैप्स में कैसे पढ़ना है। बिकॉज द प्रॉब्लम इज़ कि साइंस का एग्ज़ाम 4 को है, दैट इज़ 4 मार्च को, और हिंदी का एग्ज़ाम है 29 फरवरी को। ठीक है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स को सिर्फ 3 दिन का गैप मिलेगा और जिनके पास हिंदी नहीं है उनको 6 डेज़ का गैप मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टाइम मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, इस टाइम से मैं ऐसे बच्चे जिनके पास हिंदी नहीं है उनको बताऊंगी। अभी वीडियो के स्टार्टिंग में मैं उन बच्चों को बताऊंगी जिनके पास हिंदी है। ठीक है, तो ये वीडियो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने टाइम मेंशन कर दिया है, इस टाइम से लेकर उन बच्चों के लिए स्टार्ट हो जाएगा जिनके पास हिंदी नहीं है। अभी मैं स्टार्टिंग में उन बच्चों के लिए बताऊंगी जिनके पास हिंदी है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, तो जिनके पास हिंदी है आप लोगों को 3 दिन का गैप मिलेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, आप लोग का 29th को हिंदी का एग्ज़ाम है, उसके बाद आप लोग का 4 को साइंस का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आप लोग को सबसे पहले तो मेक श्योर करना है कि साइंस इज़ रियली अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। साइंस लिटरली रिक्वायर्स टाइम। तो आप लोग जैसे ही हिंदी का पेपर दे के आ जाएँ, यू नीड टू बकल अप, आप लोग को उसी दिन से पढ़ाई चालू कर देनी है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को 3 दिन का गैप मिला है, इस चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं करना है, आप लोग को किसी को कोसना नहीं है। ठीक है, व्हाट यू नीड टू डू इज आप लोग को उन 3 दिनों में भी अपनी प्रिपरेशन जो है वो मैक्सिमाइज करनी है। ठीक है, तो 29th को जब आप लोग अपना हिंदी का पेपर देके आ जाएंगे, आप लोग को 2 मेजर चैप्टर्स ख़त्म करने हैं, दैट इज़ इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। ये दोनों चैप्टर जो हैं फिज़िक्स के हैं, तभी मैं बोल रही हूँ फिज़िक्स को एंड के लिए मत छोड़ना। ऐसे मत सोचना कि फिज़िक्स एंड डे पे हो जाएगी, अगर आप लोग ऐसे सोचोगे तो आप लोगों को एंड टाइम पे फिज़िक्स करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आप लोग को 29th को स्कूल से आते ही, पेपर देके आते ही, यू नीड टू कम्प्लीट दीज 2 chapters including all the numericals and all the concepts. Okay, अब आप लोग साइंस के अंदर स्टार्टिंग से जो भी नोट्स फॉलो कर रहे हैं, अगर आप लोग स्टार्टिंग से NCERT फॉलो कर रहे हैं तो NCERT, स्टार्टिंग से अगर आप लोग किसी अपने ट्यूशन के नोट्स या फिर किसी वेबसाइट के नोट्स फॉलो कर रहे हैं या फिर कोई और बुक फॉलो कर रहे हैं तो वही आप लोग को फॉलो करनी है अभी भी। ठीक है, कोई नया न्यूमेरिकल मत देखना, ऐसे मत करना कि कोई भी नई बुक निकाल ली रैंडमली उसके अंदर से न्यूमेरिकल्स देख के कर रहे हैं। नहीं, आप लोगों को वही चीज़ करनी है जो आप लोगों ने पहले से कर रखी है। ठीक है, बट उसको ढंग से कंप्लीट करना। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने पहले कोई नोट्स करे थे, ठीक है, उन्हीं नोट्स को ढंग से दोबारा से आप लोगों को कंप्लीट करना है। ओके, फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चंस करना और न्यूमेरिकल्स करना। तो फिज़िक्स के अंदर जितने भी आप लोग के NCERT के क्वेश्चंस हैं और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, आप लोग को वो सारे करने हैं इन दोनों चैप्टर्स के। ठीक है, उसके अलावा ये दोनों चैप्टर्स ख़त्म करने के अलावा 29th को आप लोगों को सोर्सेज ऑफ एनर्जी, आवर एनवायरनमेंट और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में से कोई एक चैप्टर करना है। अब ये मैं नहीं बताऊंगी कि आप लोग को इन तीनों में से कौन सा चैप्टर करना है, आप लोग को ये चीज़ खुद डिसाइड करनी है, बट इन तीनों में से जो चैप्टर आप लोग को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, वो आप लोग को 29th को करना है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 29th को आप लोगों को इतना कोर्स ख़त्म कर देना है कि जब आप लोग वापस 1 को अपना सिलेबस कंटिन्यू करो तो आप लोग को लगेगा कि हाँ भाई, मैंने कुछ डिफिकल्ट पोर्शन कवर कर लिया है। ठीक है, तो 29th को आप लोग के ऑल इन ऑल 3 चैप्टर्स होंगे, इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अवर एनवायरनमेंट और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में से कोई भी एक चैप्टर। ओके, नाउ कम्स 1 को आप लोगों को रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सर्फेसेस, ये जो पूरा पोर्शन है फिजिक्स का, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, वो सब पूरा 1 को आप लोग को ख़त्म कर देना है। ओके, इंक्लूडिंग ऑल दी डाइग्राम्स, ऑल दी नोट्स, ऑल दी न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जब आप लोग चैप्टर पढ़ो तभी उसके साथ साथ आप लोग को डाइग्राम्स भी प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, नाउ कम्स 1 अगेन, क्योंकि देखो 1 को अगर आप लोग इतना थोड़ा सा काम करोगे तो आप लोग का सिलेबस नहीं कंप्लीट होने वाला। ठीक है, इसलिए मैं आप लोग को पूरे दिन का स्केड्यूल बता रही हूँ ताकि आप लोग 1 को मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लें। ठीक है, तो आप लोग को 1 को सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब पूरा
ख़त्म करना है, ठीक है। इस यूनिट का नाम है नेचुरल फिनोमिना, ये पूरा यूनिट आप लोग को ख़त्म करना है। उसके बाद आप लोगों को वन को बायोलॉजी का कोई भी दो चैप्टर करने हैं, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों को अगेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अवर एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में से कोई भी एक चैप्टर करना है, ओके। आई एम रिपीटिंग अगेन, वन को आप लोगों को नेचुरल फिनोमिना ख़त्म करना है, उसके अलावा आप लोग को बायोलॉजी के कोई भी दो चैप्टर्स करने हैं, जो चैप्टर्स आप लोग को डिफिकल्ट लग रहे हैं। उसके अलावा आप लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अवर एनवायरनमेंट और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में से कोई भी एक चैप्टर करना है, ठीक है। वन के लिए इतनी चीज़ें काफ़ी है। नाउ कम्स टू, ठीक है। टू को आप लोगों को सबसे पहले स्टार्ट कर देनी है केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री आप लोगों को टू को ख़त्म करनी है, ओके। पूरी केमिस्ट्री, पूरी की पूरी केमिस्ट्री आप लोगों को एक दिन में ख़त्म करनी है। एंड उसके अलावा आप लोगों के सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अवर एनवायरनमेंट और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में से अगर कुछ रह गया है तो भी आप लोगों को वो टू को ही ख़त्म करना है, ओके। नाउ कम्स थर्ड। देखो थर्ड को आप लोगों को आधे दिन में ही बायोलॉजी के दो बचे हुए चैप्टर्स, कोई भी, ठीक है, जो आपने पहले छोड़े हुए हैं, और जितने भी आप लोगों के एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, आप लोग को भूलना नहीं है एक्सपेरिमेंट्स को करना। एक्सपेरिमेंट्स के अंदर से एमसीक्यूज के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मैं यहाँ पर 15 आप लोग के 15 एक्सपेरिमेंट्स हैं उसकी लिस्ट लगा दूंगी। आप लोगों को 3 को ये 15 एक्सपेरिमेंट्स और बायोलॉजी के दो चैप्टर्स करने हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, ठीक है। आई नो ये जो शेड्यूल है ये बहुत ही हेक्टिक है, बट आप लोग ये सोच लीजिए कि अगर आप लोगों ने ये स्केड्यूल फॉलो नहीं किया तो आप लोगों का साइंस का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग का जो स्केड्यूल है बहुत टाइट है, बहुत हेक्टिक है, बट इट्स जस्ट द मैटर ऑफ 3 days। अब आप लोगों को ऐसा टाइम टेबल मिला है तो यू नीड टू फॉलो इट, यू नीड टू कंप्लीट ऑल योर कोर्स इन 3 days। 3 दिन आप लोग को बहुत पढ़ाई करनी है, उसके बाद आप लोगों का मैथ्स का एग्जाम है जिसके अंदर आराम से 5-7 दिन की छुट्टियां हैं, तो यू कैन चिल, आप लोग एक दिन आके रिलैक्स कर सकते हो। बट ये जो आप लोग को साइंस में 3 दिन का गैप मिला है, इसके अंदर आप लोग को बहुत एफिशिएंटली पढ़ना पड़ेगा, ओके ओके। नाउ कम्स दो स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम हिंदी का नहीं है 29th को, उन्होंने फ्रेंच या फिर संस्कृत ऑप्ट कर रखी है, तो इसलिए उनको 6 days का गैप मिलेगा SST में, सॉरी 6 days का गैप मिलेगा साइंस में, राइट। तो देखो अगर आप लोगों को 6 days का गैप मिल रहा है और अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि 6 days हैं, आराम से कर लेंगे, बहुत इजीली हमारा सिलेबस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। लेट मी टेल यू, जितने ज़्यादा दिन का गैप होता है उतना ज़्यादा आप लोग उस चीज़ को ज़्यादा लाइटली लेते हो। आप लोग सोचते हो कि भाई 6 दिन पढ़े हैं, अभी तो क्या पढ़ना, नेक्स्ट डे से पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट यू थिंक, एंड इस चक्कर में आप लोग का जो कोर्स है वो एंड तक नहीं हो पाता है। तो 6 दिन का मैं आप लोग को सिलेबस दूंगी, अगर वो सिलेबस आप लोगों ने एफिशिएंटली फॉलो कर दिया तो यू विल स्कोर रियली नाइस मार्क्स इन साइंस, ओके। तो सबसे पहले आप लोगों को 26 को आप लोग का इंग्लिश का पेपर होगा, आप लोग को 26 को आते ही पढ़ना स्टार्ट कर देना है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल 26 को आते ही आप लोग को दो चैप्टर्स करने हैं, इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ये जो दो चैप्टर हैं इसका आप लोग को सब कुछ करना है, इंक्लूडिंग दी न्यूमेरिकल्स, ऑल दी नोट्स। मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग को वही नोट्स फॉलो करने हैं जो आप लोगों ने पूरे साल पढ़े हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने पूरे साल कोई NCERT पढ़ी है तो वो फॉलो कीजिए, कोई और नोट्स पढ़े हैं तो वो फॉलो कीजिए। एग्जाम में गैप्स के बीच में कुछ नई चीज़ मत देखना, जस्ट आप लोग को NCERT के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स और आप लोगों को वो नोट्स फॉलो करने हैं जो आप लोगों ने पूरे साल पढ़े हैं। तो 26 को आके यू नीड टू कंप्लीट दीज टू चैप्टर्स, ओके। नाउ कम्स 27th। 27th को यू नीड टू कंप्लीट अ नेचुरल फिनोमिना। ये जो यूनिट है नेचुरल फिनोमिना, जिसके अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सर्फेसेस, रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज, ये 3 topics हैं नेचुरल फिनोमिना वाले यूनिट में। ये 3 topics आप लोगों को ख़त्म करने हैं 27th को। उसके अलावा आप लोग को 27th को सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अवर एनवायरमेंट और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में से कोई भी एक चैप्टर करना है, ठीक है। आप लोग को मेक श्योर करना है, क्योंकि आप लोग के पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है, तो जो भी चैप्टर्स आप लोग कर रहे हैं वो बहुत ढंग से करना। आप लोग सारे NCERT के क्वेश्चंस साथ के साथ फॉलो करना, ओके ओके। नाउ कम्स 28th। 28th को आप लोगों को 2 biology के चैप्टर्स करने हैं, और 2 chapters जो आप लोगों के बचे हुए थे सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अवर एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इनमें से जो 2 chapters आप लोग के बचे हुए थे वो भी आप लोग को 28th को ही करने हैं, ओके।
नाउ 29th, 29th को आप लोगों को केमिस्ट्री स्टार्ट कर देनी है। केमिस्ट्री के 2 से 3 चैप्टर करने हैं और बायोलॉजी का 1 चैप्टर करना है। उसके बाद आता है फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट को आप लोग को पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म कर देना है। दैट इज़ आप लोगों का जो भी बचा हुआ है, अगर आप लोगों ने पहले कुछ रहा रखा था और जो भी केमिस्ट्री के चैप्टर्स बचे हुए हैं, जो भी आप लोग का एक बायो का चैप्टर बचा हुआ है, फर्स्ट को आप लोग को ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देनी है। ओके, नाउ कम सेकेंड। सेकेंड को आप लोगों को फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू इज़ आप लोग को एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स के अंदर से आप लोगों के थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर टू डू ऑल ऑफ दिस। मैं लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डाल दूंगी, 15 एक्सपेरिमेंट्स हैं ये आप लोगों को करने हैं, क्योंकि इसके अंदर से MCQs आते हैं, ठीक है। ओके, तो आप लोगों को सेकंड तक सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो ख़त्म कर देने हैं। उसके बाद यू नीड टू डू दी रिविजन। आप लोग के पास जितना भी टाइम बचा है उसमें आप लोग को रिविजन करना है, और अगर आप लोगों से हो सके तो 2 सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करने की कोशिश करना। आई होप कि ये जो मैंने पूरा का पूरा टाइम टेबल बताया है ये आप लोग फॉलो करें। ऐसा मत समझना कि हमारे पास 6 दिन बचे हैं। जो मैंने टाइम टेबल बताया है, यू कैन सी, आप लोग देख सकते हैं, बहुत टाइट स्केड्यूल है आप लोग का भी। आप लोग को हर चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से करना है। अगर आप लोग को 6 दिन की छुट्टियाँ मिली है तो यू नीड टू टेक दी एडवांटेज ऑफ इट। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप लोग के पास हिंदी है, डोंट बी डिस्करेज्ड। ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई डिसएडवांटेज मिल रहा है। जिनके पास संस्कृत है उनको मैथ्स में डिसएडवांटेज मिल रहा है, ठीक है। जिनके पास फ्रेंच है उनको स्टार्टिंग, उनके पेपर जल्दी स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। तो कोई भी डिस्करेज नहीं होगा। ऑल यू नीड टू डू इज़ प्रिपेयर बाय ऑल योर हार्ट, एंड आई नो यू विल डू वंडर्स। थैंक यू। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लीव अ लाइक। अगर नहीं अच्छा लगा है तो यू कैन डिसलाइक द वीडियो। बाकी इट वुड बी अ रियली ग्रेट हेल्प अगर आप लोग ये वीडियो शेयर करते हैं तो। लेट्स कीप अ टारगेट ऑफ 1000 व्यूज़। लेट्स कीप अ टारगेट कि ये वीडियो 1000 व्यूज़ कंप्लीट कर ले। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।